हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बैंकर मिश्रा। तो आप सभी से काफ़ी टाइम के बाद एक मुलाकात हो पा रही है। एक्चुअली अभी बैंकिंग की वजह से आपको पता ही रहता है बैंक में लाइफ कितना बिजी रहती है ये सब, तो स्ट्रेटजी या इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियोज़ आ नहीं पा रहे थे। तो अभी कुछ डाउट आ रहा था तो उसके रिगार्डिंग मैंने कि इस वीडियो में सोचा आपको हेल्प करूँ। एक मोस्टली डाउट रहता है बच्चों का कि रीडिंग कैसे करना है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं। क्योंकि क्या होता है कि सजेस्ट तो कर देते हैं यार ये बुक रीड करो या यहाँ से तुम न्यूज़पेपर पढ़ो, एडिटोरियल्स के वीडियोज़ देखो, बट क्या होता है कई बार चीज़ें हमें समझ नहीं आती कि पैसेज से हमें पैसेज पढ़ के जैसे वकैब नहीं समझ आ रही कैसे करें उन चीज़ों को। तो इस वीडियो में मैं एक आपको भी एक पैसेज पढ़ के बेसिक आइडिया दूंगा कि किस तरीके से पढ़ना है आपको, बस इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सही तरीका, सही अप्रोच ये सब सही से लगाया ना, तो आपका उस चीज में मास्टरी करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रीडिंग एक ऐसी चीज है, पहली चीज आप ध्यान में रखिए, जिसको इंप्रूव करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। आपको उसका इंपैक्ट ये नहीं कि 2 दिन बाद ही आपको इंपैक्ट दिखना चालू हो जाएगा, नहीं, आपको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगेगा। जब धीरे 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 2 से 3 महीने बाद आप देखेंगे ना, एक मतलब एक विजिबल जो आपको दिखेगा कि हाँ इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी कैसे करना है, मैं एक बेसिकली भी एक पैसेज है आपको पढ़ के दिखाऊंगा कि कैसे इसको करना है और कैसे इसमें ग्रामर देखनी है, कैसे वोकैब देखनी है। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखिए, द हिंदू का ये एडिटोरियल है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से क्या पढ़ना है। देखिए बात हो रही है टेस्टिंग टाइम्स, यानी कि कुछ परीक्षा का समय, नहीं बोलते हैं एक परीक्षा का समय चल रहा है, ऑन द नीड टू मेंड द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अच्छा, अब देखो ये बात हमारी क्या हो रही है, अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में एकदम से नहीं आ रही तो पहले एक ओवरव्यू लो, पैराग्राफ का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, किस चीज़ की बात हो रही है, किसी चीज़ को सुधारने की बात हो रही है। मेंड माने क्या होता है, सुधार करना, किस चीज़ में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, ये क्या एक एजेंसी है जो एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है। अच्छा, अभी आप लोगों ने सुना होगा ना, न्यूज़ वगैरह पढ़ते रहते हैं कि जो नीट का एग्जाम था उसमें कुछ 720 नंबर काफ़ी सारे लोग किया गया, तो उससे रिलेटेड अभी देखो कुछ एक नया केस आया है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको क्या नीड है, इसको क्या जरूरत है, एंड ओवरऑल टू रीगेन क्रेडिबिलिटी, इसकी क्या हो चुकी है बेसिकली। अभी एग्जाम जैसे कि रीड, वो आपका जो एग्जाम जो था वो नीट का एग्जाम था, उसमें काफ़ी सारा अभी घपला हुआ, तो इसकी एक जो क्रेडिबिलिटी थी, ठीक है, कि एक अच्छी बॉडी मानी जाती थी, वो अभी चली गई है। तो इसको ओवरहॉल करने की जरूरत है, मतलब अपनी क्रेडिबिलिटी फिर से वापस लाने की जरूरत है। आपको सेंस समझना है पूरा, अगर आपको बाई चांस समझ में आ रहा है कि मेंड का मतलब, चलो मैं नहीं पता, मैं मान लेता हूँ, ठीक, अब आप इसमें ही फंस के रह जाएंगे, क्या करना है, इन चीज़ों को ध्यान रखिए। आप पढ़ते टाइम इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बाद में इसको सर्च करिएगा, पहले ऐसे ही सेंस समझने की कोशिश करिए क्या बोल रहा है। ठीक है, अभी देखें पैसेज पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है हमसे, कि जो द कैंसिलेशन ऑफ द UGC नेट एग्जामिनेशन ऑन वेंसडे, कि UGC नेट का एग्जाम था उसको कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, आपको समझना है, पूरा नहीं जाना है समझ में, क्या क्या जो कैंसिल, क्या कौन सा एग्जाम कैंसिल हुआ, UGC नेट एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ वेंसडे को, जस्ट अ डे आफ्टर इट सपोज सक्सेसफुल कंडक्ट। अच्छा, एक ही दिन बाद, कब, इसका जो सपोज सक्सेसफुल कंडक्ट माना जा रहा था, मतलब जब ये माना जा रहा था कि एक सक्सेसफुल कंडक्ट हो जाएगा एग्जामिनेशन, किसके द्वारा, NTA के द्वारा, इसके बाद इज, अब देखो यहाँ पे ग्रामर भी आपको साथ में सीखते हुए चलना है, ये इज लगाया। अब आपको समझ में आ रहा होगा यार इज किस लिए, इज जो है इसका सब्जेक्ट कहाँ पे है। अब देखो ये क्या समझ में आपको क्या आ गया, ये कैंसिलेशन, ये सब्जेक्ट है, क्यों, कैंसिलेशन के बाद आपका लगा है प्रीपोजिशन, इसके बाद ये दे रहा है एडिशनल इन्फो, फिर लगा है हमारा कॉमा, इसके बाद फिर से एक एडिशनल इन्फो, ये सारी चीज़ें एडिशनल इन्फो हो गई आपकी। ये जो इज है इसका सब्जेक्ट क्या है, कैंसिलेशन। अब आपको समझ में आएगा, जो कैंसिलेशन है इज, यानी कि कैंसिलेशन है, देखिए ग्रामर भी आपको साथ में समझ में आते जा रहे हैं ना, इस तरीके से रीड करना, यानी जल्दी जल्दी पढ़ते चलेगा, समझो अभी स्टार्टिंग है। जो कैंसिलेशन है इज वन मोर लोड ऑफ एक्स्ट्रा, मतलब इसने कुछ थ्रेटनिंग, मतलब आपको डर जो है एक तरीके से, जो खराब चीजें हो रखी थी, लोड ऑफ एक्स्ट्रा यानी कि एक और उस पर आपत्ति आ गई एक तरीके से, टू ब्रेक द एजेंसीज क्रेकिंग रेपुटेशन, एजेंसी की जो रेपुटेशन थी उसको फिर से खराब कर दिया। किस चीज़ ने, इस चीज़ ने, UGC नेट का एग्जामिनेशन है ये कैंसिल हो गया, क्योंकि अभी इसके पहले कौन सा एग्जामिनेशन था जिसमें लफड़ा हुआ था, अभी बोला ना नीट का था, ठीक है, कमिंग एज, क्योंकि इट डिड आफ्टर इररेगुलरिटीज इन दिस ईयर्स नीट UGC, अभी जैसे कि बोला नीट का जो एग्जाम था दिस साल, इस ईयर, एंड कंप्लेंट्स अबाउट JEE इंजीनियरिंग, द NTA इज अंडर इंटेंस प्रेशर, अभी जो NTA एकदम प्रेशर में आ चुका है। ठीक, इन सम वेज द एजुकेशन मिनिस्ट्रीज एक्शन आर इन स्टार्क कंट्रास्ट टू इट्स रिस्पॉन्स टू द ऑन गोइंग नीट फियास्को एंड सीम टू इंडिकेट दैट इट हैज लर्नड अबाउट। अब जो क्या है कि इसने अभी फिलहाल ही नीट का एग्जाम कैंसिल करके इसने क्या एक इंडिकेट किया कि चलो कुछ तो इसने अपने मन से एक एक्शन लिया, ठीक, क्योंकि क्या है नीट वाले में लफड़ा हुआ, अब इसके बाद इसमें हुआ, तो अभी क्या चीज़ है, कुछ एक राहत की सांस इसलिए है, इट सीम टू इंडिकेट दैट इट हैज लर्न सम लेसन, यानी कि अभी उसने पिछले जो गलतियां करी उससे कुछ तो सीखा है इसने। ठीक, क्या सीखा है,
इट टुक सुओमोटो एक्शन। सुओमोटो माने क्या होता है, अपने आप एक्शन लेना। एक होता है एक्शन, किसी ने कंप्लेन करी किसी चीज के बारे में, उसके बाद उसको रिस्पॉन्स करना। एक होता है सुओमोटो, उसको लगा अपने मन से, इसकी जो एजेंसीज रही होंगी उन्होंने कुछ उनको बेसिकली नोटिसेस दिए, मतलब कुछ बताया होगा जो उनका जो अंदर से रहता है कि हाँ ऐसा है। तो इसने अपने मन से एक एक्शन लिया कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया। इट टुक सुओमोटो एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द होम मिनिस्ट्री साइबर क्राइम टीम के इनपुट्स। जो साइबर क्राइम टीम के जो इनपुट्स थे उसके बेसिस पे इसने एक एक्शन लिया। क्या किया, जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम था उसको कैंसिल कर दिया, ठीक। इवन विदाउट फॉर्मल कंप्लेंट्स फ्रॉम कैंडिडेट्स, कंप्लेंट्स जो कैंडिडेट से इस बार कोई भी नहीं आई थी, अनलाइक इन द नीट केस, जैसे कि नीट केस में हुआ था, वेयर इट हैज ड्रैग्ड इट्स फीट टू कमिटीज एंड कोर्ट केसेस डिस्पाइट मल्टीपल एलिगेशंस। यानी कि वो वहां पे मल्टीपल एलिगेशंस आ रही थी लेकिन फिर भी ऐसे नहीं गया, जब कंप्लेंट्स खूब सारी हो गई, ड्रैग्ड इट्स फीट टू कमिटीज, कमिटीज के द्वारा इनको लाया गया, ड्रैग्ड इट्स फीट टू कोर्ट मतलब घसीट के लाना एक तरीके से, ठीक है। एंड पुलिस कंप्लेन हुई थी ऑफ द पेपर लीक्स, पेपर लीक्स के बारे में, जो जो मिनिस्ट्री थी इमीडिएटली कैंसिल द यूजीसी नेट एंड प्रॉमिस द फ्रेश एग्जामिनेशन। यूजीसी नेट का एग्जाम है, इसको कैंसिल कर दिया गया और एक फ्रेश एग्जामिनेशन के बारे में फिर से बोल दिया गया। इट हैज आस्क द सीबीआई टू प्रूव द केस। इसने सीबीआई को भी बोल दिया है प्रूव करना। प्रूव के लिए माने क्या होता है, जांच के लिए, माने इस केस की जांच भी की जाए, इसके लिए सीबीआई को बोला गया। व्हाई नॉट हीडिंग, लेकिन क्या है, ध्यान नहीं, हीड माने क्या होता है, ध्यान देना, क्या ध्यान नहीं दिया गया, जो परसिस्टेंट डिमांड ऑफ नीट एस्पायरेंट की, जो परसिस्टेंट माने होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू डिमांड किस चीज की है, फॉर अ सिमिलर प्रूफ। इसी जो नीट की जो अभी नीट ये जो नेट का है ये कैंसिल करके इसमें सीबीआई की जांच की बात कर दी गई, लेकिन सिमिलर डिमांड किसके लिए भी है, नीट वाले जो बच्चे हैं उनका भी तो हुआ है ना अभी, उन्होंने भी एक डिमांड करी है, लेकिन उस बात को अभी ध्यान नहीं दिया। हाउएवर फॉर द ओवर 9 लाख यूजीसी नेट कैंडिडेट्स, 9 लाख यूजीसी नेट कैंडिडेट्स थे हु स्टडीड फॉर मंथ्स, इन्होंने महीनों पढ़ाई करी थी एंड देन ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेज, काफी सारे दूर दूर तक जिनके सेंटर्स गए थे वहां तक गए थे टू देयर एग्जाम सेंटर्स, सम टेकिंग लोन्स टू कवर देयर कॉस्ट, मतलब कुछ, मतलब कितने गरीब घर के बच्चे, कैसे कैसे लोग, पता है मैंने भी एग्जामिनेशंस दिए हैं तो किस तरीके से क्या होता है, कैसे ट्रेवल कर, लोग ट्रेनों में लद के इतनी भीड़ों में बच्चे जाते हैं पेपर देने, काफी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। लोन भी लिए थे इवन दो लोगों ने सब चीजें पढ़ाइयों के लिए। दिस इज लिटिल कंसोलेशन, लिटिल यहाँ पे लिटिल वर्ड का मतलब क्या है, बेसिकली नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है, लिटिल आ लिटिल द लिटिल, ये सब चीजों के बारे में ग्रामर में आपने पढ़ा होगा, तो लिटिल कंसोलेशन मतलब ज्यादा सांत्वना की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इस तरीके से आपको समझा, अब देखो एक पैसेज, ये आपका पैरा कंप्लीट हो गया। अब एक बार अगर मैं आपको बोलूँ इस पैराग्राफ का सेंस, आपको ओवरऑल क्या समझ में आया, तो आपको ये दिमाग में आपको एक बार कैसे बैठ के सोचना है, क्या कर रहा है, हमने पैसेज पढ़ा तो हमें ये समझ में आ रहा है इसमें कुछ, एक यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, मान लिया अभी नहीं पता है क्या होता है आपको, ठीक है, एक होता है यूजीसी नेट का एग्जाम है उसको कैंसिल कर दिया है, इसने कैंसिल कर दिया एनटीए ने, एनटीए एक बॉडी है जो एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, ये उस वो वाला एग्जाम भी कंडक्ट कराती है जो है आपका नीट का एग्जाम, अभी इसमें भी काफी सारे लोगों ने कंप्लेंट्स करी थी, लेकिन ये इसने इस बार जो है सुओमोटो एक्शन लिया है, अपने मन से एक्शन लेते हुए अपनी जो उसको जो कहाँ से लीड्स मिली थी, इनपुट्स मिले थे साइबर क्राइम टीम से जो इनपुट मिले थे, तो उसके बेसिस पे इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया, लेकिन और इसमें एक सीबीआई की जांच के लिए भी बोला है, लेकिन जो नीट वाला एग्जाम था उसमें ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पैसा पढ़ के समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अभी आगे भी देखते हैं क्या है इसमें, अभी देखो इंटरेस्टिंग होना चाहिए चीजों का, अब आप समझ रहे होंगे कि यार पढ़ के बोर हो रहा है, ऐसा नहीं, ये देखो आपको नॉलेज बढ़ रहा है इससे, समझ में आ रहा है यार ये एनटीए बॉडी था शायद अभी तक आपको इसके बारे में ना पता हो, ये चीजें पता चली ना इंटरव्यू में काम आएंगी, अभी पढ़ने का तरीका समझ आ रहा है, ग्रामर इंप्रूव हो रही है, अभी देखा इसका पता चला, ये सब्जेक्ट इसका ये था, और भी कुछ चीजें ग्रामर जो सुओ मोटो वर्ड है शायद आपको अभी पता चला होगा, कुछ चीजें नहीं पता आपको तुरंत बाद में अभी नोट डाउन हाईलाइट करके गूगल करो, गूगल करने के बाद एक डायरी बनाओ उसमें नोट करो और उसको थोड़े एक से दो दिन बाद फिर से पढ़ो तो क्या दिमाग में स्टिक हो जाएंगी, ठीक। दीज यंग पीपल डिजर्व आंसर, ये जो नए नए स्टूडेंट्स हैं मतलब यंग ही होते हैं यार सारे लोग, तो उनका इनको आंसर्स की जरूरत है, एंड राइट नाउ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर स्टिल अनआंसर्ड, लेकिन अभी भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर नहीं मिले। फॉर वन no one in the government's education establishment has explained why the net was an offline examination, जो government का जो basically education establishment है उसमें से अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि ये जो नेट है एक ऑफलाइन एग्जामिनेशन क्यों था, कंडक्टेड बाई द CBSE टिल 2018 तक, ऐसा क्यों था, इट वॉज टेकन ओवर बाई द NTA एंड बिकेम एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये NTA ने इसको टेक ओवर किया, पहले जो था ये कौन कंडक्ट कराता था, CBSE कंडक्ट कराता था 2018 तक, फिर इसको टेक ओवर किसने कर लिया, NTA ने, ठीक। अभी क्या हो गया, एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गया, ओनली टू रिवर्ट दिस ईयर टू एन ऑफलाइन, और फिर से ये ऑफलाइन हो गया, इस ईयर ये फिर से ऑफलाइन हो गया, देख 2018 तक अभी सेंस समझ में, 2018 तक क्या था, ये ऑफलाइन था, कौन कंडक्ट कराता था, इसको CBSE कंडक्ट कराता था, उसके बाद इसको NTA ने टेक ओवर कर लिया, NTA ने टेक ओवर किया, उसके बाद इसको अभी इस साल इसको अभी तक NTA ने फिर ऑनलाइन कराया, अभी इस साल इसको क्या कर दिया, फिर से ऑफलाइन कर दिया, ऐसा क्यों, इसका भी आंसर चाहिए,
पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन विच इज पोटेंशियली मोर वल्नरेबल। वल्नरेबल माने क्या होता है, वल्नरेबल का मतलब क्या होता है कि वो चीजें हैं जिनको इजिली हार्म पहुंचाया जा सकता है। अब देखो इजिली हार्म कैसे पहुंचाया जा सकता है, इसका वर्ड इसने ये क्यों यूज किया, क्योंकि एक ऑफलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन में क्या होता है थोड़ी सी सिक्योरिटी ज्यादा होती है क्योंकि पेपर लीक होने के चांसेस नहीं रहते। ऑफलाइन में क्या है कि वो सेट्स हैं, 2-3 सेट्स 5 सेट, उनको प्रिंट करके रखना होता है, हो सकता है वहां से लीक हो जाए, चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ऐसा क्यों किया, इसका जवाब मांग रहा है। ठीक, एज द इन्वेस्टिगेशन इज कैरीड आउट फुल ट्रांसपेरेंसी इज की टू एनी होप्स दैट एनटीए कैन रीगेन। मतलब अभी क्या है कि जैसे कि अभी जांच वगैरह होंगी, इसमें एक एक ही चीज क्या है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पूरी तरीके से। ऐसा नहीं कि ट्रस्टवर्दीनेस इन आइज ऑफ कैंडिडेट, इन द आइज ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब भरोसा होना चाहिए लोगों को कि ऐसी जांच होनी चाहिए, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर आंसर हमें मिलने चाहिए। द सेकेंड इज अकाउंटेबिलिटी, सेकेंड चीज क्या है उत्तरदायित्व, क्या अकाउंटेबिलिटी एंड पनिशमेंट ऑफ द गिल्टी, कि जो गिल्टी हैं उनको पनिशमेंट भी मिला। और ये छोटी मोटी नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो ये जो सब चीज़ें हैं बहुत इंपैक्ट करती हैं मेरे हिसाब से। तो उनको आजीवन कारावास टाइप ये सब सजा सुना, फांसी दे दो यार, ये सब मतलब स्टूडेंट्स के जीवन से खेल रहे हो तुम, कितनी गलत चीज़ है। द गवर्नमेंट वुड ऑल्सो डू वेल टू कंसिडर अ रिहॉल ऑफ एनटीए सिस्टम। अच्छा, जो गवर्नमेंट को एनटीए का जो सिस्टम है इसको रिहॉल करना चाहिए फिर से। इसकी एक तरीके से रिहॉल का मतलब एक मरम्मत के लिए यूज किया जाता है बेसिकली ये वर्ड जो है, लेकिन इसको क्या है इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। एंड पर्सनल टू इंश्योर दैट टेक्निकल ब्रीचेस, चीटिंग स्कैम्स, पेपर लीक्स एंड प्रॉक्सी कैंडिडेट्स दैट हैव प्लॉग्ड द एग्जाम्स दिस ईयर आर नॉट अलाउड टू हैपन अगेन। ये जो सारी चीजें हुई हैं, क्या क्या हुआ है, पेपर लीक हुआ है, चीटिंग स्कैम हुए हैं, प्रॉक्सी हुई हैं, ये सब चीजें अगली बार ना हो, इस चीज के लिए जो है एनटीए में भी सिस्टम में भी रिहॉल करने की जरूरत है। With the fate of lakhs of India's educated youth and youngest voters at stake, क्योंकि कौन से लोग stake on stake माने क्या होता है, दांव पे लगे होना, कौन से लोग दांव पे लगे हुए हैं, इंडिया के जो यंग है, यूथ है भाई, उनका पूरा फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है भाई, तो इस चीज को पूरा ध्यान में रख के काम करना चाहिए। ठीक, अब देखिए इतना पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए अभी इसको मैं रोकता हूँ। तो अभी आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा, मैंने पढ़ के क्या आपको समझ आया, कैसे पढ़ना है। देखो, एक चीज़ है कि आपको ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते चले गए, उड़ गया दिमाग से, यहाँ पढ़ लिया पूरा पैराग्राफ, ऐसा नहीं, समझ में आना चाहिए। भले आप पूरा दिन में, मैं तो कह रहा हूँ एक दिन में एक दो ही पैराग्राफ पढ़ो, लेकिन उसको पूरा सेंस समझ। अब मैंने पढ़ा, मैंने अभी ये नहीं है कि मैं पूरा पढ़ के नहीं आया था, आप सोच रहे हो कि मैं पूरा ये सब पढ़ के, आपके सामने अभी जस्ट मैंने ओपन किया इसको स्क्रीनशॉट लेके और मैंने पढ़ा। तो इससे क्या है, देखो पहली चीज़ आपको क्या समझ में आएगी कि समझ में आपको क्या चल रहा है, करंट में सिचुएशन क्या चल रही है, इससे आपका क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। दूसरी चीज, इंग्लिश तो इम्प्रूव हो ही रही है। तीसरी चीज, आपकी वोकैब, जो चीज़ें अभी आपको वोकैब मुझे आती थी, जो कुछ चीज़ें मुझे भी कुछ नहीं आती होंगी इसमें से, मेरे को सारा थोड़ी ना आता है, थोड़ी बहुत मोस्टली भी नहीं आता होगा, लेकिन क्या कई बार सेंस से समझ में आ जाती चीज़ें कि हाँ यार ये वर्ड इसने यूज किया है तो इसका मतलब यही हो रहा होगा। तो नहीं आता है तो उसको अंडरलाइन करो, बाद में गूगल पे सर्च करो, उसके 2-3 मीनिंग्स देखो, उसको डिटेल में नोट करो और उसको बाद में पढ़ो, या नहीं नोट करके डायरी में फेंक दिया, ये सब चीज़ें आप करो। ठीक है, ग्रामर, ग्रामर का इतना इंपैक्ट है नहीं देखो बैंक एग्जाम में ग्रामर का, लेकिन ये काम आएगा आपको कब, जब आप ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे और रीडिंग बेस पे उसको कर पा रहे होंगे, आपको ये सब नाउन प्रोनाउन याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, तब आप मुझे आके थैंक यू बोलना। ठीक है, तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा रीडिंग कैसे करना। तो डेली एक एडिटोरियल तो कम से कम पढ़िए, आप केवल एडिटोरियल ही नहीं, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। मैं देखो हिंदू का आपको जाके दिखाता हूँ क्या क्या पढ़ सकते हैं अभी हम। देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं हिंदू वाले में, आपका स्टेट वाले ऑप्शंस, स्पोर्ट का है, स्पोर्ट का अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो उसमें से पढ़ सकते हैं। एंटरटेनमेंट की कोई न्यूज़ है, एंटरटेनमेंट की न्यूज़ जाके वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुक्स से रिलेटेड कुछ भी, मतलब आपको जो इंटरेस्टिंग लगे बेसिकली वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या पढ़ना है। ठीक, तो अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, लोगों को शेयर करिएगा। अब अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वीडियो के इसमें जो पूछिए कमेंट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू, बाय बाय।